हेलो स्टूडेंट्स अर्लियर आई हैव क्लियर यू द वर्ड मीनिंग ठीक है ना दिस वर्ड मीनिंग आर गोइंग टू कम इन दिस चैप्टर ना आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर ओके आम गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी विच इज़ गिवन इन दिस बुक चलिए टेकआउट पेज नंबर फोर्टी फाइव एंड जस्ट कीप द बुक इन फ्रंट ऑफ यू सो आपको ज़्यादा बेटरली क्लियर समझ में आएगा ठीक है चलिए वंस अप ऑन अ टाइम देयर वॉज अ डॉग एक समय की बात है एक डॉग था वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ डॉग ठीक है एक समय की बात है वहाँ एक डॉग था ही वॉज वेरी हंग्री हंग्री का मतलब क्या होता है जस्ट अंडरलाइन दिस वर्ड हंग्री का मतलब क्या होता है भूखा होना ठीक है तो ही वॉज वेरी हंग्री वो जो डॉग था वो बहुत ज़्यादा क्या था हंगरी था ठीक है ही वेंट टू सर्च मैंने सर्च के लिए क्या बताया था लुक सी बताया था ना लुक फॉर फूड तो क्या हुआ एक समय की बात है एक डॉग था जो बहुत ज़्यादा हंगरी था ठीक है और ही वेन टू सर्च फॉर फूड और वो फूड की तलाश में यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ होता रहा कि ताकि उसको खाने के लिए कुछ मिल जाए ठीक है He looked around for a long time बहुत देर तक long time मतलब long मतलब लंबा और time मतलब समय बहुत लंबे समय तक वो यहाँ वहाँ ढूंढता रहा कि कहीं उसको खाने के लिए कुछ मिल जाए ठीक है Then just ही सो अ जूसी बोन एट अ बुचर शॉप ठीक है फिर अचानक से उसको एक जूसी बुचर शॉप समझते पे जहां पे मीट वगैरह मिलता है उसको बुचर शॉप कहते हैं ठीक है जहाँ पे मीट वीट कट होता है चिकन कट होता है तो जहा पे ये फिश चिकन विकन मिलता है उसको ब्यूचर शॉप कहते हैं और जो वो काटता है उसको ब्यूचर कहते हैं ठीक है थीके? तो जस्ट देन काफी टाइम बाद जब मैंने बताया कि एक समय की बात है एक डॉग था जो काफी भूखा था हंगरी मतलब भूखा था ठीक है काफी टाइम तक वो खाने की तलाश में यहां वहां घूमता रहा फिर अचानक से उसको ही सो अ जूसी बोन एट अ ब्यूचर शॉप तो अचानक से उसको एक जूसी बोन ब्यूचर के शॉप पर मिलती है द डॉग ग्रैप्ड द बोन एंड ग्रैपड मतलब क्या बताया था मैंने सडनली होल्ड करना तो उस डॉग ने क्या किया उस डॉग ने क्या किया अचानक से उस बोन को ग्रैप किया और वहाँ से रैन अवे मतलब क्या होता है भाग जाना तो वहाँ से अचानक से क्या हुआ वो वहाँ से अचानक से भाग गया अब देखते आगे क्या होता है ठीक है अब ऑन हिज वे अब क्या हुआ ऑन हिज वे ही केम टू अ जब वो रास्ते में जा रहा था ही केम टू अ लेक अचानक बीच में रास्ते में एक लेक पड़ती है लेक मैंने बताया ना बीच में पानी आजू बाजू क्या लैंड रहता है इट हैड अ ब्रिज ओवर इट नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि इट इज़ अ लेक एंड इट हैज अ ब्रिज ओवर इट तो लेक के ऊपर क्या था ब्रिज था ठीक द डॉग वॉकड ऑन टू द ब्रिज अब जो डॉग था उस ब्रिज के ऊपर से जा रहा था ठीक है द डॉग वॉकड ऑन टू द ब्रिज तो वो जो डॉग था उस ब्रिज के ऊपर से जा रहा था जस्ट देन ही लुकड इन टू द लेक फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि उसने उस लेक की तरफ देखा ठीक है उसने क्या किया उस लेक की तरफ देखा द वॉटर इन द लेक व स्टिल अब जो लेक में जो पानी था वो स्टिल था स्टिल मतलब एक ही जगह पर था वो मूव नहीं कर रहा था ठीक है ही लुकड एट द वॉटर एंड वॉट डिड ही सी अब क्या होता है कि वो वाटर में देखता है और अचानक से वो क्या देखता है चलिए पढ़ते हैं आगे अचानक से वो क्या देखता है अचानक से ही सॉ एनअर डॉग इन साइड अब उसको लेक के अंदर अचानक से एक दूसरा डॉग दिखता है दिस डॉग हैज़ अ बोन टू और उस डॉग के माउथ में भी बोन होती है आप ही देख सकते हो ये डॉग है और ये ब्यूचर शॉप से बोन लेकर भागा था और इस डॉग को अचानक से इस लेक में एक और डॉग दिखता है जिसके माउथ में भी बोन होती है ठीक है चलो वी विल कंटिन्यू दिस स्टोरी इन द नेक्स्ट सेशन नाउ